आजकल काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं कि सीएससी आईडी हम कैसे ले सकते हैं, इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, या फिर आपको जो है अप्लाई करने का प्रोसेस इसमें क्या है, आप डिटेल्स में बताइए। लेकिन मैं उसको डायरेक्टली ही मैसेज करता हूं। तो अगर आप भी हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई भी डाउट है, तो इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा इंस्टाग्राम का, आप वहाँ पर जाइए, फॉलो कीजिए, हमको डायरेक्टली मैसेज कीजिए, आपका रिप्लाई जल्दी ही मिल जाएगा। लेकिन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ सीएससी आईडी का फुल प्रोसेस, आपका जो माइंड में जो भी डाउट होता है बहुत सारा है, क्योंकि आजकल सीएससी आईडी लेना बहुत ही आसान हो चुका है पहले के मुकाबले। क्योंकि पहले तो होता था कुछ सीजन होता था कि आपको इस टाइम से इस टाइम के बीच में आपको सीएससी आईडी लेना है, लेकिन आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कोई भी दिन में, कोई भी महीने में अगर आपको सीएससी आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो कंडीशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट है, आपको उसे पूरा करना ही होगा। सो आज के इस वीडियो में आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा सीएससी आईडी क्या है, सीएससी आईडी कैसे काम करता है, सीएससी आईडी के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगता है, और सीएससी आईडी के बारे में जितना भी क्वेश्चन होगा आपके मन में, यहां तक कि सीएससी आईडी किस तरह से अप्लाई करते हैं, इसका भी मैं प्रोसेस दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी सारे लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है, सिर्फ मोबाइल है, वो लोग सिर्फ मोबाइल ही चलाते हैं, लेकिन जैसे ही सीएससी मिलेगा वो सोच रहे हैं कि ये कंप्यूटर भी ले ले। लेकिन अगर आपको पता नहीं कि सीएससी के लिए कौन सा कंप्यूटर सही है, कौन सा प्रिंटर सही है, या फिर जो प्रोडक्ट है सीएससी का क्या क्या आपको लेना चाहिए, तो इस वीडियो के नीचे आपको ऑनलाइन का सारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, आप जाके परचेज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस मोबाइल के साथ आपको दिखाऊंगा सीएससी का पूरा डिटेल्स। आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये स्क्रीन पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर ये मोबाइल का इंटरफेस है, आपको कंप्यूटर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंप्यूटर ही यूज करते हैं तब भी इस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली ये कंप्यूटर का इंटरफेस ही खुल जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर व्हाट इज सीएससी, यानी कि सीएससी क्या है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, सीएससी एक रूरल डेवलपमेंट करने का एक प्रोसेस है, गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम इसमें काम होता है जो कि एक सीएससी वीएलई को दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि सीएससी कैसे वर्क करता है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, सीएससी ई गवर्नमेंट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड इज ए स्पेशल परपोज व्हीकल, यानी कि सीएससी एसपी भी हम जानते हैं वही है स्पेशल पर्पोज व्हीकल, एंड इज कनेक्टिंग लोकल पॉपुलेशन विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और यहाँ पर जो रूरल पीपल होते हैं उनको किस तरह से आपको फैसिलिटी मिलेगा, इंश्योरेंस दिया जाएगा बैंक में, या फिर जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट में जो स्कीम निकलेगा आपको कैसे दिया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद है हु आर वीएलई, यानी कि वीएलई कौन है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि वीएलई है विलेज लेबर एंटरप्रेन्योर, जो कि गवर्नमेंट का बहुत सारा प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेके, यानी कि सीएससी लेके आपको देता है काम। उसके बाद आप जो है सारा सर्विस को बहुत सारे लोगों तक पहुँचाते हो और उनमें से आपको कमीशन भी मिलता है। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड व्हाइल डूइंग द रजिस्ट्रेशन एज ए वीएलई, यानी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है सीएससी में अपना आईडी बनाने के लिए। यहाँ पर लिखा गया है बस आपको एप्लीकेंट का फोटो, यानी कि आपका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, उसके बाद प्रूफ ऑफ आईडी कार्ड, प्रूफ ऑफ एड्रेस और कैंसिल चेक आपको यहाँ पर लगेगा। इसके साथ साथ और भी कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं जो कि आपको वहाँ पर सबमिट करने होते हैं, जैसे कि आपका दुकान का फोटो आपको वहाँ पर अटैच करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट, आपको कौन सा कंप्यूटर लेना चाहिए, आपको ऐसा कौन सा सिस्टम लेना चाहिए जो कि सीएससी एसपीबी के लिए बेटर है, यहाँ पर बताया गया है। आपको कम से कम 120 जीबी का हार्ड डिस्क ड्राइव वाला कंप्यूटर लेना चाहिए, जिसमें 512 एमबी तक का रैम एटलीस्ट होना चाहिए, उससे ज़्यादा अभी तो फिलहाल आ चुके हैं, आप 2 जीबी 4 जीबी ले सकते हैं। उसमें सीडी डीवीडी का कोई महत्व नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। हाँ, यूपीएस की ज़रूरत है, अगर आप यूपीएस लेना चाहते हैं तो आप लीजिए। इसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा गया है 4 घंटे का बैटरी बैकअप जिसमें हो वैसे ही आपको मैनेज करना है। प्रिंटर लेना है, कलर प्रिंटर, इसके बाद वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, इंटरनेट कनेक्शन विथ एटलीस्ट 128 kbps स्पीड फॉर ब्राउजिंग एंड डाटा अपलोडिंग ओवर इंटरनेट। आपको एक बढ़िया सा इंटरनेट कनेक्शन भी लेना बहुत ही जरूरी होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर बताया गया है कि एक एप्लीकेशन नंबर क्या है। जब आप सीएससी में अप्लाई करते हैं तो आपको एक सीएससी का रेफरेंस नंबर, यानी कि एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है, वही आपको ट्रैक करने के लिए मदद करता है कि आपका जो है सीएससी आईडी कब बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट, वर्चुअल आईडी क्या है, यहाँ पर बताया गया है। आपको यहाँ पर बहुत सारा ऐसा डिटेल्स में दिखा गया है जो कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि सीएससी के लिए हम जैसे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे हमको तुरंत ही आईडी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
सीएससी का जो वैली है वो कब आईडी लेगा वो डिपेंड करता है सीएससी के टीम के ऊपर। वो सबसे पहले डीएम को भेजते हैं, आपका जो है दुकान को देखेंगे, उसके बाद अप्रूवल देने के बाद ही आपको जो है सीएससी आईडी मिलता है। तो सीएससी आईडी कैसे लेते हैं और सीएससी के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है, मैंने प्रैक्टिकली बहुत सारे वीडियोज़ बना रखा हूँ जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। सीएससी आईडी लेने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन आ जाते हैं क्योंकि इसमें आपको कोई अदर डॉक्यूमेंट नहीं लगता, बस आपको सिंपल सा एक काम करना है, आपको डॉक्यूमेंट रेडी करना है। मेक श्योर कि आपको सीएससी रजिस्ट्रेशन करने से पहले डॉक्यूमेंट रेडी कर ले, जो मैंने आपको बता चुका हूँ इस वीडियो में, और नीचे भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। और सबसे पहले आपको टीईसी में एग्ज़ाम देना होता है, भले ही आप टीईसी में बाद में एग्ज़ाम दें लेकिन आपको टीईसी में अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जहां पर आपको 1400 या फिर 1500 रुपया कटेगा। आपको सीएससी में अप्लाई करने का फ्री है लेकिन टीईसी के लिए आपको 1500 रुपीस तक आपको देना ही होगा। टेली सेंटर एंटरप्रीनर कोर्स बहुत ही ज़रूरी है सीएससी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अगर आप एग्ज़ाम देने से पहले टीईसी में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, रेफरेंस नंबर, उसी नंबर की मदद से आप सीएससी में अपना आईडी बना सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको आईडी मिलेगा बाद में या फिर रिजेक्ट होगा वो बाद की बात है। तो ये था पूरा प्रोसेस सीएससी आईडी लेने का। अभी फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, आपको हमसे बात करना है, तो इस वीडियो के नीचे जो इंस्टाग्राम का लिंक है आप क्लिक करके हमको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। साथ ही हमारा टेलीग्राम आईडी और फेसबुक आईडी पर आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा।